अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में कुवैत की तीन बड़ी अपडेट हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं तो तीनों अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि कुवैत में जो है फैमिली वीज़ा को लेकर नए अपडेट आया हुआ है दोस्तों, और नई शर्त रखी गई यहाँ पर। जो शर्त है दोस्तों, वो शर्त ये है कि अगर आप कुवैत में रहते हैं, जितने भी गैर मुल्की यानी जो भी मुल्क से हैं, वो अगर वो कुवैत में रहते हैं और अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं वहाँ पर फैमिली वीज़ा पर, तो उनके लिए दोस्तों शर्त ये है कि उनकी कम से कम सैलरी जो है वो कुवैती 500 दिनार जो है वो होनी चाहिए। अगर उनकी सैलरी 500 दिनार यानी कुवैती दिनार है, तो वो अपनी फैमिली के लिए फैमिली वीज़ा जो है वो जारी करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बताए चलें कि अगर उससे कम आपकी सैलरी है तो आपको जो है वीज़ा नहीं मिलेगा। आपका प्रोफेशन कोई सा भी है दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी माने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 500 होनी चाहिए। अगर 500 कुवैती दिनार आपकी सैलरी है तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो फैमिली विजिट वीज़ा है वो आपको यानी 1 महीने के लिए जारी होगा और 3 महीने के लिए भी जारी किया जाएगा। अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो 1 महीने के लिए भी बुला सकते हैं, 3 महीने के लिए भी आप बुला सकते हैं। अगर आपको 1 महीने का वीज़ा लेना है तो आप 1 महीने के लिए अप्लाई करें, अगर 3 महीने का लेना है तो आप 3 महीने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताया चलें कि अगर आप अपने माँ बाप को बुलाते हैं तो उनको आप 1 से लेकर 3 महीने तक के आप वीज़ा ले सकते हैं अपने माँ बाप के लिए। इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने बीबी बच्चों को बुलाना चाहते हैं तो उनके लिए वीज़ा जो है वो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक जारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने भाई बहन को बुलाना चाहते हैं तो उनके लिए दोस्तों जो वीज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने के लिए ही जारी होगा, 1 महीने से ज़्यादा उनका वीज़ा नहीं जारी किया जाएगा। हाँ, आपके माँ बाप के लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए जो वीज़ा है वो 3 महीने तक आपको मिल जाएगा, वो जारी हो जाएगा। लेकिन भाई बहन के लिए आपका जो वीज़ा है, फैमिली विजिट वीज़ा है, वो दोस्तों आपके सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए ही जारी होगा। तो इस तरह दोस्तों, अगर आप कुवैत में रहते हैं और आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं और आपकी सैलरी 500 कुवैती दिरहम है, तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत में जो सरकारी जगहों पर काम करने वाले लोग हैं दोस्तों, उनके लिए ये अपडेट है कि अगर वो सरकारी जगहों पे काम करते हैं तो उनको 8 बजे से पहले जो है अपने ऑफिस पहुंचना पड़ेगा। जिस भी जगह पर वो काम करते हैं, अगर वो सरकारी है तो वहाँ पर वो 8 बजे से पहले ड्यूटी पे पहुंचना पड़ेगा और वहाँ पर उनको अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा 8 बजे से पहले। दोस्तों, फिंगरप्रिंट का जो टाइम होगा वो 7:30 बजे से स्टार्ट होगा और 8 बजे तक के लिया जाएगा। और अगर कोई भी इंसान 8 बजे के बाद आएगा, वो चाहे 3, 4, 5 मिनट के बाद भी आए, 8 बजे के बाद आएगा, तो उसका जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं लिया जाएगा और उसको काम पर से वापस भेज दिया जाएगा, यानी उससे काम नहीं कराया जाएगा उस दिन। अगर वो 8 बजे के बाद आएगा तो 8 बजे से पहले आएगा तो ही काम पे ड्यूटी पे लग सकता है, अगर 8 बजे के बाद आएगा तो उसकी जो ड्यूटी होगी वो नहीं ली जाएगी, यानी उसकी ड्यूटी जो है वो खारिज कर दी जाएगी। तो अगर आप सरकारी ऑफिस में या सरकारी जगहों पे काम करते हैं तो आप इस सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें कि आपको अब जो है ड्यूटी पे 8 बजे से पहले पहुंचना है और अपना फिंगरप्रिंट जो है वो 8 बजे से पहले आपको दे देना है। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत एयरलाइंस का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है और फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो गया था, यानी किसी ने इसको हैक कर लिया था, लेकिन इसको जो टाइम रहते ही रिकवर कर लिया गया था। हालांकि फेसबुक अकाउंट जो है वो तुरंत ही रिकवर हो गया था, लेकिन जो इंस्टाग्राम अकाउंट था दोस्तों, वो थोड़ा टाइम लग गया था उसको रिकवर करने में, लेकिन वो भी हो गया था। इससे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो हैक किया था वो कुछ भी नहीं कर पाया, उससे पहले ही इसको रिकवर कर लिया गया था। तो ये था दोस्तों कुवैत के हवाले से कुछ खास अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा, जिससे आप दोस्त मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल, रखें, खुदा हाफिज़।